शतन नागपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी हब। फिल्मफेयर अवार्ड 2024 का आगाज हो गया है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 69वें फिल्मफेयर अवार्ड की शुरुआत शनिवार 27 जनवरी को हुई। बीती रात कई कैटेगरी में अवार्ड की घोषणा की गई। शनिवार को करण जौहर, जानवी कपूर, जरीन खान, नुसरत भरूचा समेत कई नामचीन हस्तियां भी रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरती नजर आई। सभी सितारों ने एक दूसरे की सफलताओं और उपलब्धियों का जश्न मनाया। वहीं फिल्मफेयर अवार्ड्स कई स्टार और निर्माताओं की झोली में आया। साथ ही जानते हैं कि इस साल 2024 में किन कलाकारों को फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब 12th फेल के नाम रहा। वहीं 12th फेल के फिल्म जवान, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ओ माय गॉड 2, पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मात देते हुए ये खिताब अपने नाम किया। बता दें कि इस फिल्म में विक्रांत मैसी ने शानदार एक्टिंग की थी। बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में अमित राय की फिल्म ओ माय गॉड 2, जवान, सिद्धांत आनंद की फिल्म पठान, करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल जैसी फिल्में भी शामिल थी। हालांकि सभी को मात देते हुए डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को इस साल का बेस्ट डायरेक्टर घोषित किया गया। इस तरह फिल्म 12th फेल को 2 अवार्ड्स हासिल हुए। बेस्ट एक्टर की लिस्ट में रणवीर कपूर के साथ शाहरुख खान का नाम भी शामिल था। उनको डंकी और जवान 2 के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके साथ विक्की कौशल को सैम बहादुर के लिए, तो रणवीर सिंह को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और सनी देओल को फिल्म गदर 2 के लिए नॉमिनेट किया गया था। अंत में रणवीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब आलिया भट्ट को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस की लिस्ट में आलिया के मुकाबले में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी, थैंक यू फॉर कमिंग के लिए भूमि पेडनेकर, पठान के लिए दीपिका पादुकोण, सत्य प्रेम की कथा के लिए कियारा आडवाणी और डंकी के लिए तापसी पन्नू भी शामिल थे। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार विक्की कौशल के नाम रहा। उन्हें ये अवार्ड डंकी फिल्म के लिए मिला। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड शबाना आजमी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला। आदित्य रावल को फिरोज के लिए मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो वहीं फीमेल डेब्यू का पुरस्कार अलीजे अग्निहोत्री को फिल्म फर्रे के लिए मिला। उधर जाने माने निर्देशक डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं बेस्ट फिल्म का क्रिटिक पुरस्कार मनोज वाजपेयी को फिल्म जोरम के लिए मिला। वहीं रानी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला। तो बेस्ट एक्टर का क्रिटिक पुरस्कार विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए मिला। बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर की बात करें तो शिल्पा राव को पठान के बेशरम रंग के लिए मिला। वहीं एनिमल का अर्जुन बेली गाना गाने के लिए भी भूपेंद्र बब्बर को मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। उधर अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट का आर डी बर्मन पुरस्कार श्रेयस पुरानिक को एनिमल के गाने सतरंगी के लिए मिला। आपके मायने में आपके फेवरेट कौन थे जिनको फिल्मफेयर पुरस्कार मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ स्टोरी हब।